ब्यूटीफुल सो वेलकम टू आर्य एंजली गाइडेंस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो ये दिखेंगे कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज क्या होने वाली है। ठीक है, मैं फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग के साथ आपके लिए आपके सामने आई हूँ। ये इनिशियल वाला है, आप देख सकते हैं। पहला इनिशियल ए टू एम वाला है, पाइल वन, और दूसरा पाइल टू एन टू जेड। तो मैंने क्लोज करके आपको दिखा दिया है, आप अपने इनिशियल के हिसाब से ये दोनों चूज कर लीजिए कि कौन सा वाला आपका है, और फिर हम देखते हैं आपकी रीडिंग। तो टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो पाल वन के साथ शुरू करते हैं। टू एम चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या है कार्ड्स के थ्रू। कार्ड्स क्या आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। कार्ड प्लीज गाइड पाइल वन। नाइन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी मैं लूंगी दूसरे डेक से आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, द स्टार, माय गॉड, टू ऑफ कप्स, द, ओ माय गॉड, ये पाइल कितनी ऑसम है। मानना पड़ेगा ये पाइल बहुत ज्यादा ऑसम है। मैं थोड़ा और स्पेस बना लूं यहाँ पे, कुछ और कार्ड्स भी लूंगी, इनको साथ कर देते चलिए। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, मैं और भी जगह बना देती हूँ जैसे आप सारे कार्ड्स देख पाओ। कुछ और कार्ड्स भी, ओके, डेविल भी आया है, वाह, अच्छे कार्ड के साथ कुछ ऐसा भी आना था धमाकेदार, लेकिन ये भी देखिए ना, आपकी मेजर अरकाना ही है। ओ माय गॉड, अगेन एक मेजर अरकाना, जस्टिस, ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। देखिए जो आपके कार्ड्स है ना, वो स्पेशली मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिखा रहे हैं कि किसी का तो रिलेशनशिप में जैसे कि दिल टूटा है। मैं इसको सेट कर देती हूँ ऐसे जैसे आपको सारे कार्ड्स दिख सके। ठीक है, तो न जाने क्यों ऐसा दिख रहा है कि किसी का रिलेशनशिप में बहुत दिल टूटा है। आप नाइन ऑफ सोर्स देख सकते हैं, ये कार्ड आप देख रहे हैं, ये जो तीन कार्ड जो स्टार्टिंग में पहले ही आ गए थे, ऐसा दिख रहा था कि किसी ने लव लाइफ में धोखा खाया है। चाहे आपने किसी से भी, मतलब आपने यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन है जिसने एक्सपेक्ट किया था कि एक अच्छा पार्टनर चाह रहा था, ठीक है, शादी से पहले, मैरिज से पहले ही कोई एक अच्छा पार्टनर यहाँ पे देख रहा था, चाह रहा था, बट कभी भी आपको लाइफ में, मतलब कभी भी ऐसा लगा कि जैसे कि आप, ये तो एक तरफा प्यार था। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग मुझे यहाँ इंतजार करते हुए दिख रहे हैं, मतलब कनेक्शन था बट चल नहीं पाया किसी का इन पास्ट, आपके अभी मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, जैसे लग रहा है कि किसी का था पास्ट लाइफ की, नहीं मैं पास्ट मतलब यही इसी पास्ट की बात करी आपके, कि ऐसा कोई रिलेशनशिप था आपका पास्ट में जो मतलब वर्क नहीं कर पाया। यहाँ पे कुछ लोगों का सक्सेसफुल होते हुए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है नहीं दिखे कुछ लोग। ये वाली एनर्जी आपके लिए खास कर यहाँ पे, जैसे ये पहले कार्ड्स यही इस तरीके के आए, तो ऐसा दिख रहा है कि किसी ने तो अपने रिलेशनशिप को बहुत कोशिश की बना कर रखने की, मतलब खुद के अंदर बहुत प्यार था उस पर्सन के लिए, बट वो कोई किसी ने तो धोखा दिया है यहाँ पर, किसी ने धोखा दिया है यहाँ पर, न जाने ऐसा क्यों दिख रहा है। चूंकि आपके कार्ड में देखिए यहाँ पर ये भी कार्ड आया है,
जस्टिस, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट का रिलेशनशिप आपका, ठीक है, चाहे अभी भी आप किसी रिलेशनशिप में हो, बट तब भी कुछ पास्ट में ऐसा रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का, ऐसा दिख रहा है कि उनको दर्द मिला है यहाँ पर, ठीक है? अगर आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तब भी, अगर नहीं हो तब भी, ठीक है, और सच में अगर टूटा है कोई रिलेशनशिप तब भी ये बात आपके लिए कही जा रही है, आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कुछ तो ऐसा है कि प्यार में धोखा कभी ना कभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लोगों को मिला है, उन्होंने काफी वेट किया है, ठीक है, अभी भी कुछ लोग ऐसा लग रहा है वेट कर रहे हैं उस पर्सन का, उन्होंने धोखा दिया फिर भी उससे प्यार है, उससे कोई नाता है, जिसकी वजह से कुछ तो है जो उन्हें उसके लिए रोक के रखा हुआ है, ठीक है? फिर यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि लोग लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं, लाइफ में आगे भी बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोग लाइफ में आगे भी बढ़े हैं अपने, और ये जो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ जो ये पाइल है इसके लिए, तो यहाँ पे मुझे काफी लोग के लिए ऐसा दिख रहा है कि क्या बोलूँ मैं यहाँ एक लव मैरिज है लोगों के लिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक लव मैरिज है, बट ये दिख रहा है कि ये जैसे आप कुछ लोग किसी का वेट कर रहे हैं या जो भी है, बट ना ये उसके लिए नहीं है जिनका ये वेट कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे, ठीक है? कुछ लोगों के साथ जस्टिस यहाँ होगा, पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जो एकदम बेहतरीन है उनके लिए। कुछ लोग के लिए ये पुराने भी हो सकते हैं और कुछ लोग के लिए ये नए आ रहे, ये भी लग रहा है, ठीक है? तो जिन लोगों को धोखा मिला है, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ अभी, जिन लोगों को धोखा मिला है, जो लोग इस फेज से गुजर रहे हैं, सच में इस फेज से गुजर रहे हैं, उनके लिए बहुतों के लिए ये दिख रहा है कि कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। द स्टार का कार्ड यहाँ पर आया है और पेज ऑफ वॉन्ड्स भी ये दिखा रहा है कि कोई है जो कोशिशें कर रहा है, ठीक है, कोशिशें कर रहा है या खुद से एफर्ट्स कर रहा है कि वो पार्टनर वापस आ जाए, ठीक है? कुछ ना कुछ कोशिशें, स्पेल्स करवाना या फिर क्रिस्टल पहनना या फिर कुछ तो कर रहा है वो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहा है कि वो उसका पार्टनर वापस आ जाए, तो ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है? दूसरा, अगर बात की जाए जो सिंगल लोग देख रहे हैं, ठीक है, उनको ऐसा दिख रहा है कि उस तरीके से कोई अभी रिलेशनशिप ऐसा कुछ खास मिला नहीं है, तो अगर मिला भी है तो एक तरफा रहा है, उस तरीके से नहीं मिला उन्हें, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी एक सच्चा प्यार है। देखिए ये पाइल जिन्होंने भी चूज की उनके लिए एक सच्चा प्यार है यहाँ पर, जैसे कि अगर आपने एक सच्चे दिल के लिए यहाँ पे आप तरसे हैं, एक सच्चे प्यार के लिए आप यहाँ तरसे हैं, तो वो आपको यहाँ पे ऐसे मिलता हुआ दिख रहा है कि नहीं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वो प्यार है जिससे आप, जिस चीज के लिए आप ढूंढ रहे हो हर जगह कि कौन है वो पर्सन जो मेरे कंपैटिबल हो, और मैं जितने एफर्ट्स करी वो भी उतने एफर्ट्स करे, तो वो सारी चीजें यहाँ मुझे मिलते हुए दिख रही है, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोग के लिए लव मैरिज यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, बट यहाँ अरेंज का भी है, कुछ लोग के लिए अरेंज का भी है, जिनका जैसे यहाँ पे दिल टूट रहा है। ये पायल न जाने क्यों दो बातें कह रही है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे एक तो कुछ लोग की विश फुलफिलमेंट हो रही है, और ये भी मुझे दिख रहा है कि जिन लोग के लाइफ में ये पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो पार्टनर है वो जो आ रहे हैं, एक तो बहुत प्यार करने वाले होंगे, बहुत समझदार होंगे, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, किंग ऑफ कप्स आए हैं। देखिए ऐसे कंपैटिबिलिटी आप इसमें, टू ऑफ कप्स में कंपैटिबिलिटी इनकी देख पा रहे हैं। दूसरा, ये स्टार जुड़ना इज लाइक ये जैसे डिवाइन साथ है, डिवाइन चाहती ही कनेक्शन हो, ये कनेक्शन बने, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये भी जो भी आपके लाइफ में आपका पार्टनर आ रहे हैं, मैरिज जिनसे हो रही है, आप पार्टनर के मामले में बहुत लकी होने वाले हैं, इतना आप समझ लीजिए। कुछ लोग को ऐसा लग रहा है जस्टिस भी यहाँ मिल रहा है, जैसे कि मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जैसे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है इस चीज को कि वेट करना बट वो चीजें नहीं मिलनी, इन्हें नहीं मिली, तो इनके साथ यहाँ जस्टिस भी कुछ लोग के साथ प्यार में हो रहा है, ठीक है? ये भी दिख रहा है कि जिस प्यार के लिए वो तरस रहे हैं, कोई कहीं और देख रहे हो, कहीं ना कहीं घूम के उनके पास वो प्यार आएगा, ठीक है? यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, कुछ लोग को कहा जा रहा है यहाँ पे काम करने के लिए भी, अगर वो कोई अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है, और अभी आपके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा, तो ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है कुछ लोग के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, अपने प्यार को समझो, ठीक है, आपके अंदर जो भी लव है। दूसरा, ये भी मुझे दिख रहा है कि खुश रहना और एक्शन लेना और आगे बढ़ना, मूव ऑन होना लाइफ में बहुत जरूरी है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए कहा जा रहा है अपने ओल्ड रिलेशनशिप को आप जितना जल्दी भूल के मूव ऑन करते हो लाइफ में, उतनी जल्दी आप नए रिलेशनशिप
रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये सिंगल्स के लिए भी है कि चीजों को भूलिए और आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। अगर आपकी तरफ था प्यार, क्रश होगा आपका कोई, ठीक है, लेकिन अगर आप उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर आप नए चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे लाइफ में। ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स भी आए हैं, किंग ऑफ कप्स भी आए हैं। चूंकि जो ये मेल है ना दोनों का, वो बहुत बेहतरीन रहेगा। इमोशंस तो काफी, यहाँ भी इमोशंस, मतलब ये बहुत बेहतरीन बॉन्ड होने वाला है यहाँ पे, ये भी खासकर पता चल रहा है। दूसरा, यहाँ आप में से काफी लोग की अवेकनिंग भी हो सकती है। हाई प्रिस्टेस, ये जो दर्द आपको यहाँ दिया जा रहा है, इसमें आपकी अवेकनिंग होगी, यहाँ पे आपकी अवेकनिंग होगी। दूसरा, मैं ये कहूंगी कि अगर आप में से काफी लोग वही पार्टनर चाहते हैं जिनसे, देखिए यहाँ पे आपके लिए वो पार्टनर है, यहाँ पे विश पूरी होते हुए दिख रही है, मैं उनके लिए बोलूंगी कि देखिए आप लाइफ में आगे तो बढ़िए, रुकना नहीं है लाइफ में, बट आप मैनिफेस्टेशन वगैरह टेक्निक आप यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो वही पार्टनर मुझे चाहिए, वही पार्टनर ही चाहिए, शादी करना उन्हीं से करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने होंगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करनी होंगी, कुछ तरीके यूज करने होंगे जिससे वही पार्टनर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे ईश्वर ने ऐसा तो दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करके रखी हुई है। देखिए थोड़ा सा डेविल आपको परेशान कर रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं तीनों कार्ड, ठीक है। डेविल प्रॉब्लम कर सकता है यहाँ पे, ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत होगा, चूंकि यहाँ इमोशंस दोनों के ही बहुत ज्यादा हाई है, इमोशंस बहुत ज्यादा आई। मैं कहूंगी जब खुश रहेंगे तब भी हो सकता है आप लोग के बीच इंटीमेसी, एंड जब आप लोग दुखी है, कोई एक दुखी है, तब भी आप लोग के बीच इंटीमेसी हो सकती है। मतलब काफी मैं कहूंगी कि इमोशनली आप एक दूसरे से बहुत अटैच है, यहाँ पे फिजिकली भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि मैं पहले बताना चाहूंगी कि कौन कौन से यहाँ पे जोडियक साइन है। लगभग यहाँ पे देखिए एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो ये ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रांग। और मैं ये भी कहूंगी कि जो अल्फाबेट्स होंगे आपके पार्टनर के, वो के हो सकते हैं, यहाँ पे एस हो सकते हैं, सी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, यहाँ बी हो सकते हैं, जे हो सकते हैं, एच हो सकते हैं, पी हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू हो सकते हैं, जे हो सकते हैं, ठीक है, एन एम भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारे अल्फाबेट्स यहाँ मुझे दिख रहे हैं, के भी हो सकते हैं, ठीक है, के आई थिंक मैंने पहले बोली, हाँ, तो ये सारे अल्फाबेट्स हो सकते हैं, क्यू भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो ये अल्फाबेट्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ये जोडियक साइन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वो किस तरीके के होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसे होगी और क्या है। और मुझे ये एक मैसेज आप लोग के लिए यहाँ मिल रहा है कि जब आप सेल्फ लव में एकदम डूबे होगे, ठीक है, प्यार में एकदम खुश, एकदम लाइफ में खुश, चीजों से दूर, नेगेटिविटी से दूर, तब वो पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करेंगे। मैं आपको ये बता दूं, सिंपल से ये मैसेज मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल रहा है। दूसरा, हाई पिस्टस, यहाँ पे खासकर जो लोग अपने एजुकेशन और जॉब पे ध्यान दे रहे हैं उनको और जल्दी यहाँ मिलने के चांसेस हैं, ये भी दिख रहा है, ठीक है। और ईश्वर यहाँ जस्टिस करते हुए कुछ लोगों के साथ दिख रहा है, जैसे कि उनको कभी प्यार ना मिला हो उस तरीके का, तो वो पार्टनर ऐसा मिल रहा है जो बहुत सपोर्टिव होगा, बहुत प्यार करने वाला होगा आपको, ये भी मैसेज मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं उनके बारे में, थोड़ा और जान लेते हैं। The devil, okay. Ten of Pentacles, Pop. Two of Sun. Four of Sun. The Papis, okay. द एम्परर, देखिए जो आपके पार्टनर होंगे ना, वो काफी मैं कहूंगी कि अच्छे एडवाइजर होंगे, काफी मोटिवेटर होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर का जो वर्क ही है वो कुछ एडवाइजरी से रिलेटेड होगा, ठीक है, कुछ एडवाइजरी वाला काम। यहाँ मुझे ना सर्विस वाला काम ज्यादा दिख रहा है, सर्विस से रिलेटेड काम ज्यादा दिख रहा है, कोई भी सर्विस वाला काम हो सकता है उनका, ठीक है, यहाँ पे वो ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। फोर ऑफ वांड्स आया है यहाँ पे, मतलब फोर ऑफ सन में कहूंगी, बट देखिए ये है कि सर्विस है, सर्विस वाला, तो इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके लिए है कि पार्टनर सर्विस में होंगे,
ठीक है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि हाँ बहुत जल्द वो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है। मैंने कहा लेकिन कि जब आप बहुत पॉजिटिव हो गए तभी ये होगा, लेकिन हो सकता है कि आप में से काफी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को कि जल्द से जल्द वो आए, ठीक है। यहाँ पे वो मैं कहूँगी कि काम के लिए थोड़ा सा करियर में ज्यादा ही इन्वॉल्व रहने वाले होंगे, अभी फिलहाल तो यही है। वैसे तो किंग ऑफ कप्स इनके लिए आया ही है, बट अभी वो और मतलब स्टडीज में और करना चाह रहे हैं, और मतलब वही पर्सन आपके साथ शादी करेंगे। एंड अभी वो करियर ओरिएंटेड ज्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स लग रहा है कि ये जो टू ऑफ वॉन्ड्स वाले कार्ड है, ये टू ऑफ सन जिसे कहते हैं, यहाँ किंग एंड क्वीन मेड फॉर ईच अदर वाले है कार्ड। यहाँ देख सकते हैं आप जैसे कि ये है वैसे ही सेम ऐसा दिखने में ये वैसा ही है, लेकिन अगर उस हिसाब से बात किया जाए ट्रेडिशनल टैरो के हिसाब से तो ये टू ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। तो लेकिन ये कार्ड जो है वो यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेड ऑफ ईच अदर, ठीक है, मेड ऑफ। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे ये बना हुआ है साइन एंड यहाँ पे स्टार का, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं डिवाइन चाहती है आप लोगों का मिलन हो, आप लोग साथ हो। और यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स देखा जाए तो एक हैप्पी फैमिली और जैसे एक वेल्दी फैमिली, हैप्पी फैमिली वाला रिकॉग्निशन है। तो मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि रिप्रेजेंट करता है ये। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अच्छे फैमिली से होंगे, काफी अच्छी फैमिली होगी। हाँ कुछ एडिक्शन भी हो सकता है उनका, वो उनसे मिलके ही आपको पता चलेगा, ठीक है। दूसरा ये पैपस वाली जो एनर्जी आई है, हाँ एजुकेशन भी अच्छी होगी उनकी, ठीक है। देखिए मैंने कहा सर्विस वाले ज्यादा यहाँ पे बहुत लग रहे हैं कि सर्विस वाले ही, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी कोई ना कोई सर्विस वाला ही चाह रहे हो आपके लिए, ठीक है, कुछ लोगों के। तो यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई पड़ रहा है, वो सोच रहे हैं कि कोई सर्विस वाला ही मेरे बच्चे को मिले तो अच्छा ही है यहाँ पर। तो ये भी विश फुलफिलमेंट होते हुए पेरेंट्स की यहाँ पे दिखाई दे रही कि शायद उनको सर्विस वाला ही मिल रहा है, जो भी है, ठीक है, जो भी आप देख रहे हो मेल फीमेल उनके बच्चे के पार्टनर ऐसे ही कुछ होने वाले हैं, तो खुश हैं। डेविल मुझे ये दिखा रहा है कि हाँ थोड़ी सी हो सकता है कि उनको थोड़ा सा देखिए लव एक्सपीरियंस कम हो, ठीक है, वो थोड़े अभी सीखने के ही में रहे शायद, लव वगैरह में ज़्यादा इनका हाथ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा मुझे, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि नया नया एक्सपीरियंस होगा लव में, तो कच्चे हो सकते हैं थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ पे मैच्योर आप ज्यादा होंगे लव लाइफ में, आप उनको बताओगे कि ऐसे बोला जाता है, ये इजहार किया जाता है, थोड़ा मतलब बोलने में भी वो तीन शब्द बोलने में भी थोड़ा समय लगा सकते हैं आपको बोलने में। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लव मैरिज जैसे मैंने कहा है, कुछ लोगों के लिए जहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ एफर्ट्स कर रहे हैं और जो एफर्ट्स करेंगे उनकी झोली में ये लव मैरिज गिर रही है, ठीक है। कुछ लोग के लिए मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे जो बहुत परेशान हैं उनको वो सच्चा पार्टनर मिला ही नहीं, धोखा मिला है अब तक प्यार में, तो उनके लिए एक लाइफ पार्टनर ऐसा आने वाला है जो उनको प्यार से रखेगा, प्यार करेगा, सपोर्ट जो चाह रहे थे वो उनकी ये विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही है, ठीक है। बहुत अच्छा सपोर्ट, बहुत अच्छी साझेदारी इस पाइल में है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा इन लोगों का साथ रहेगा। बाकी मैं ये भी देखूंगी कि जो लोग चाह रहे हैं लव पार्टनर क्या है, तो पेरेंट्स का क्या है इसमें रहता है रोल, पेरेंट्स का क्या रोल है, पेरेंट्स मैं उनके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स दोनों का ही निकालने वाली हूँ यहाँ पे कार्ड। ओह शिट, चलिए देख लेते हैं आपके पेरेंट्स के कार्ड यहाँ पे, एक दो चार, यहाँ पे उनके पेरेंट्स के कार्ड कैसा रहता है उनके पेरेंट्स की तरफ से और आपके पेरेंट्स की तरफ से। देखिए सिर्फ लव मैरिज का नहीं कहूंगी मैं देखूंगी कि आप और उनके पेरेंट्स का क्या इसमें रहता है, लव मतलब कि मैरिज को लेके ही क्या रहता है, ठीक है। सिर्फ लव मैरिज की बात करें, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके उनके देख लेते हैं। आइए हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। अच्छा तो ये जहाँ पे आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है,
आपके पेरेंट्स जैसे लग रहा है कि यहाँ पे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, काफी देख भी रहे हैं लोगों को कि लिस्ट चेक कर रहे हैं कोई अच्छा पार्टनर मिले, बहुत सारे ऐसे होता नहीं है रिश्ते देखना कि कौन सा अच्छा होगा, कोशिशें करना कि बेस्ट वन मेरे बच्चे को मिले, ठीक है। तो वो अपने बच्चों की खुशियां ही यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर को बात करते हैं घर पे, तो शायद यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके पेरेंट्स मान जाएं, ठीक है। यहाँ पे कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, आपको अपने पेरेंट्स की तरफ, कुछ लोग को यहाँ पेरेंट्स की तरफ से एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जो लोग सिंगल है रिश्ते की कोई अच्छी खबर उनको आ सकती है, ठीक है, मिल सकती है, शादी से रिलेटेड की हाँ बात चल रही है, देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव मैरिज हो जाएगी, आपके घर वाले कुछ लोगों के यहाँ पे मानते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ऐसा आया है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ आपसे भी कहा जा रहा है कि अपने पेरेंट्स को आप मनाइए, कुछ लोगों को कहा जा रहा है थोड़ा एफर्ट्स डालिए, आपके पेरेंट्स मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये भी मैसेज मिला है। दूसरा, उनके फैमिली मेंबर्स की बात अगर कर ली जाए तो हो सकता है उनके फैमिली में कोई पेट भी हो, और ये भी दिख रहा है कि हाँ काफी सोलमेट वाली एनर्जी जो कह रहे हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं वहां पे, ठीक है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पे जिस तरह से आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनके घर वाले यहाँ पे पैसे से भी थोड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं और रिलेशनशिप के मामले में भी काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप से भी। और क्वीन ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, वो भी काफी स्ट्रांग यहाँ पे एनर्जी है। हैंगमैन, हाँ, काफी सोचने वाले भी हो सकते हैं, वो इस रिलेशनशिप के बारे में काफी सोच सकते हैं कि सही है कि नहीं है, ठीक है। पर ये भी ऐसा दिख रहा है कि वहां मान सकते हैं, वो भी मान जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन वो सोचेंगे, फिर भी थोड़ी देर तक उनके मन में विचार रह सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि सही है कि नहीं है। हाँ, ऐसे तो अपने जो भी होंगे सामने वाले आपके पर्सन, वो अपने पेरेंट्स से बात तो जरूर करेंगे और उनके पेरेंट्स यहाँ से लग रहा मान तो जाएंगे, लेकिन फिर भी सोचते रहेंगे कि सही है कि नहीं है, कि ये तो उनके मन में विचार थोड़ा बहुत चलता रहेगा, वो सोचते रहेंगे शादी को लेकर, लेकिन यहाँ ऐसा तो लग रहा है कि उनको हाँ जरूर कह देंगे, ठीक है जैसा तुम चाहो, ऐसा मुझे यहाँ ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे बड़ा ही मान जाने वाली यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई है, तो ऐसा दिख रहा है हाँ डाउन टू, पर इनको मनाना इतना आसान भी नहीं होगा, हाँ थोड़े से पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। और एक दिल का कनेक्शन अगर बन जाएगा ना, कि अपने दिल की बात, जैसे यहाँ पे एक माँ है जो थोड़ी सी हाँ हो सकती है, सख्त हो सकती है, बट वो माँ भी अगर अपने बच्चे की दिल की आवाज़ सुन ली ना, अगर बच्चे ने दिल से बता दिया अपनी माँ को कि उसके दिल में क्या है, मतलब बातें, तो वो माँ भी वैसे मान जाएगी, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे मेल एनर्जी स्ट्रांग है, हो सकता है यहाँ पे फादर थोड़े से डोमिनेटिंग एनर्जी पे हो, पर यहाँ कुछ लोग की माँ है जो यहाँ ये वाली एनर्जी स्ट्रांग एनर्जी में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेल का थोड़ा ज्यादा है, सॉरी कैमरे की वजह से आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, मेरे वजह से, एक्चुअली मेरे वजह से कैमरा हिल रहा है। तो ये देखिए थोड़ा सा मतलब ये वाली एनर्जी आपके लिए कार्ड मिल रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल वन, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल, अगर रेजोनेट किया तो मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रीडिंग्स देखिए ओपन है, आप रीडिंग्स ले सकते हैं यहाँ पर, और मकर संक्रांति का चल भी रहा है, अभी 16 तक है, तो आप अभी भी 300 में आप अपनी वो रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग, 4 क्वेश्चन कोई भी। और थैंक यू सो मच। हेलो पायल टू, जिन्होंने पायल टू चूज किया था, एन टू जेड, चलिए आइए देख लेते हैं आपकी रीडिंग कार्ड्स आपको क्या बताते हैं। लव मैरिज और रेंज कभी कभी मिक्स एनर्जी भी आ जाती है, पायल वन में बहुत मिक्स एनर्जी थी, मतलब लग रहा था कि जैसे कार्ड्स प्लीज गाइड पायल टू। सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब स्टार तो सब में आ ही रहा है, मतलब स्टार पाइल वन में भी आया था। यहाँ लोग मैनिफेस्टेशन वाले लोग बहुत हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, लकी हैं लोग, लकी हैं, चीजें पॉसिबल है, ये स्टार बताता है कि होप मत छोड़िए, चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। इसमें से भी कुछ कार्ड्स लेंगे, इनको थोड़ा और साइड करते हैं जैसे कि आपको कार्ड्स दिख सके, कोशिश कर रही हूँ।
आप देख सकते हैं मैं कोशिश कर रही हूँ। चलिए ठीक है। इस टेक्स से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। द फूल, फोर ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वांड्स। Page of Cups, Two of Pentacles, Four of Pentacles. Okay. तो यहाँ जो जिस तरह के कार्ड्स की एनर्जीज हैं अगर बात की जाए तो न जाने क्यों ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे अरेंज मैरिज होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, यहाँ अरेंज मैरिज न जाने क्यों लोगों के लिए आ रही है, जैसे कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी के ऊपर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर चॉइसेस हैं, लोगों के पास बहुत सारी चॉइस आ रही है यहाँ पे कि किसको सेलेक्ट करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग के पास दो लोग की चॉइस है, जैसे कि एक जैसे है कि कोई किसी के पेरेंट्स ला रहे हैं और दूसरा खुद की इच्छा से कोई चाह रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में किसको चुना जाए यहाँ पे कुछ लोग के पास चॉइस है। यहाँ पे लोग कुछ इस तरीके के भी हैं जो स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, दूसरा मैं ये भी देख पा रही हूँ काफी सोचते भी हैं किसी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने मैरिज को लेकर। ठीक है, और कुछ लोग के साथ हो सकता है कि पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है तो वो बस एक अच्छा इंसान अपने लाइफ में चाहते हैं, बाउंड्री सेट करके रखे हैं। कुछ लोगों ने शायद ये भी सोच लिया कि जो मेरे पेरेंट्स ला के देंगे मैं उसी से कर लूंगी, क्योंकि मुझे इतना बैड एक्सपीरियंस मिला है कि मैं खुद अब चाहती ही नहीं हूँ कि कोई लव में पढ़ूँ या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है। दूसरा मैं एक बात बता दूँ कि इनके लिए जो पार्टनर हैं, ठीक है, इनके लिए जो पार्टनर हैं वो देखिए प्रॉपर्टी वगैरह उनके पास सही ठीक ठाक बढ़िया रहेगी। ठीक है, काफ़ी मैनेज चीज़ें मैनेज करने वाले हो सकते हैं यहाँ पे, वो भी नज़र आ रहा है। करेजियस हैं, आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत तेज़ दिमाग के हो सकते हैं। ठीक है, सोचते बहुत हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, काम करना बहुत पसंद है। ठीक है, जीवन में एक्सपीरियंस लेना बहुत पसंद है। ठीक है, पैसे कमाने की रेस में हो सकते हैं वो। ठीक, और लक भी इनका काफ़ी अच्छा है और दिल की सुनते हैं, मतलब दिल भी है, दिमाग भी है और रिस्क लेना पसंद करते हैं, इनको रिस्क लेना अच्छा लगता है। ठीक है, और हो सकता है कि इन्हें डॉग कैट्स पसंद हो सकती हैं। ठीक है, एज अ एनिमल वो पसंद करते होंगे। ठीक है, बाकी किसी भी एनिमल के इन कंपैरिजन तो उनको पसंद होगी, होगा थोड़ा बहुत, उनका भी क्रेज होगा इन सब चीज़ों में। दूसरा हो सकता है काफ़ी लोग के लिए मुझे पर्सन ये एक लौते लग रहे हैं। ठीक है, एक लौते हो सकते हैं ये भी दिख रहा है, अपने माँ बाप के एक लौते बच्चे, मेरा कहने का मतलब है। और प्रॉपर्टी वगैरह मुझे दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, उनकी हो सकती है, और यहाँ पर एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम उनके हो सकते हैं। चीज़ों को मैनेज करना बहुत अच्छी तरीके से आता है इन्हें। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है, और मैं यहाँ पे उनके लिए ये बता दूँ कि अल्फाबेट्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे उनके लिए जो देख रहे हैं यहाँ पे रीडिंग। एफ हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, पी हो सकते हैं, एच हो सकते हैं, एम हो सकते हैं, टी हो सकते हैं, डब्ल्यू हो सकते हैं, पी हो सकते हैं यहाँ पर, एस हो सकते हैं, के हो सकते हैं, ए हो सकते हैं यहाँ पर, और जे हो सकते हैं, एल हो सकते हैं, ओ भी हो सकते हैं यहाँ पर, एम भी है, एफ भी है, एफ बता दिया ना मैंने, हाँ एफ भी है। और ये थे इनके इनिशियल्स। और दूसरा मैं बता दूँ यहाँ पर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ एक्चुअली वैसे तो सारे ही हैं, बट अगर देखा जाए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, और टॉरस जो कैप्रिकॉर्न भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी है, और यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स भी हैं, मतलब मैं कहूँगी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इनकी एनर्जी बस थोड़ी सी कम है, बट यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, तो ये हो सकते हैं। ठीक है,
टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनकी एनर्जी बहुत हाई है, बाकी तो सारे ही हैं। ठीक, दूसरा चलिए ये देख लेते हैं कि उनका काम कैसा हुआ है, क्या है, वो भी आइए देख लेते हैं। यहाँ पर डेक्स से उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपका रिश्ता है, जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसा दिख रहे हैं कि एक अच्छे पार्टनर की कोई विश यहाँ मांग रहा है कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, वैसा हो। ठीक है, और हो सकता है आप में से काफी लोग तो रिलेशनशिप में आए ही नहीं है, ठीक है, ये भी दिख रहा है, कभी इस तरह का रिलेशनशिप मिला ही नहीं है, ये भी दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा दिख भी रहा है कि कुछ लोगों का पास इतना अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि कहीं उनका पार्टनर भी ऐसा वैसा ना निकल जाए। यहाँ पे कुछ लोगों से डर भी दिख रहा है मुझे, है चीजों को लेके सोचते बहुत है। हो सकता है आप में से काफी लोगों की सुई किसी चीज पे अटकी हो, कुछ लोगों पर अटकी हो। मैं ये चेक करना चाहूंगी थोड़े और कार्ड लेके, ठीक है, कि क्या यहाँ पे किसी का पास्ट कैसा क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पास से रिलेटेड देखिए। यहाँ मुझे, मैंने बोला है कि मुझे अरेंज वाला ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है, बट मैं एक बार और यहाँ पे देखना चाहूंगी। कुछ थ्री कार्ड्स, ठीक है, मैं देखना चाहूंगी आपके लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तीन पेंटिकल्स की एनर्जी इतनी, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, कोई तो है यहाँ पे, मतलब अगर वो फीमेल भी है मेल भी है, लेकिन वो अपने मतलब चीजों को मैनेज करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। और यहाँ पे जैसे काफी रिच हो सकते हैं, काफी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं यहाँ पर, और कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे जो भी आप देख रहे हो, मेल देख रहे हो तो भी फीमेल के लिए। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग कुछ ऐसा भी काम कर, देखिए मैंने सर्विस यहाँ पे मुझे दिख रही है, बट यहाँ पे ऐसा पार्टनरशिप और बिजनेस भी है, पार्टनरशिप और बिजनेस भी है, बिजनेस थोड़ा मैं कहूंगी ज्यादा ही है, बिजनेस थोड़ा ज्यादा ही है, और यहाँ पे कोलैबोरेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, ठीक है, या आप दोनों भी पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई काम कर रहे होंगे, आप उनका हाथ बटा सकते हो और उनके साथ पार्टनरशिप जैसा काम भी कर सकते हो। दूसरा, वो सेल्फ लव करने वाले हैं, ठीक है, देखिए मैंने कहा हूं कि रिच पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इनकी बहुत ही ज्यादा रिच है, ठीक है। दूसरा, मुझे अगेन यहाँ पे फैमिली के द्वारा ही ये रिश्ता होता हुआ मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, कि फैमिली के द्वारा ही ये रिश्ता यहाँ पर हो रहा है। चलिए और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के बारे में थोड़ा और डेक से जानते हैं। देखिए फैमिली तो आपके लिए बहुत अच्छा, हेल्दी वेल्दी फैमिली कोई देख रही है, कि जो भी इंसान हो वो अच्छे खानदान से हो, पैसे वाला हो, बढ़िया, मेरी मेरे बच्चा खुश रहे वहां पर, या फिर अच्छे अच्छे घर की पर्सन हो वो, जो भी हो, ठीक है, मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं इसको, तो वो पेरेंट्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह ही आपके लिए देख रहे हैं, चाह रहे हैं यहाँ पर, और ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे आके लाइफ में, काफी आपको फाइनेंशियली बहुत मदद करने वाले हैं, ये आपको स्ट्रांग ही करेंगे, क्योंकि इनका माइंड भी बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत अच्छे सुझाव दे सकते हैं, और पहनना ओढ़ना भी इनका बहुत शौक है। देखिए जैसे वो पैसे कमाते भी हैं, उस पर खर्चा भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, ठीक है, ये क्वालिटी भी उनमें अच्छी खासी है। चलिए आइए देख लेते हैं थोड़ा और उनके बारे में, पर्सनैलिटी कैसी क्या है, फिर पेरेंट्स के बारे में भी देखेंगे, आप दोनों की पेरेंट्स की राय क्या है वो भी देखेंगे आगे जाकर, पहले आपके पर्सन के थोड़ी पर्सनालिटी देख लेते हैं। और मून लवर्स, ओ माय गॉड, मतलब रिलेशनशिप आपका काफी अच्छा रहेगा, चाहे अरेंज ही क्यों ना हो, रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। द फूल, अगेन फूल आया है, मतलब फॉल इन लव, मतलब
शादी होते ही मतलब प्यार में गिर जाना एकदम। यहाँ पे आया है आपके लिए सिक्स ऑफ कप, सॉरी सॉरी सॉरी, नाइन ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, पता है आप लोग के लिए क्या है, वेल्थ बहुत है, मतलब यहाँ पे किसी चीज की कमी, अबंडेंस ही अबंडेंस है यहाँ पे। जिस तरह पेंटिकल्स की एनर्जी आई है ना, फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है किसी हालत में, जैसे सब कुछ मिल रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है जैसे लग रहा है। यहाँ पर अबंडेंस ही अबंडेंस है, मतलब पैसे की कमी तो नहीं होने वाली यहाँ पे। हो सकता है दोनों ही कमाए, मिल के कमाए, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, अगेन यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माई गॉड। जिस तरह से यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स एंड यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, वेल्थ ही वेल्थ है यहाँ पे, वेल्थ ही वेल्थ, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है यहाँ पर। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी भी आ गई, मतलब प्यार भी रहेगा दोनों के बीच में, लेकिन पैसा ही पैसा, मतलब यहाँ पे इस इंसान का खुद का बिजनेस हो सकता है, जो वो चाहता है सेटअप करना, उसने अपने दिल से जो करना चाहा था वो चुना और उसने किया। ठीक है, बिजनेस वाली एनर्जी मुझे ज्यादा ही आ रही है। ठीक है, अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है इनका। यहाँ सर्विस की एनर्जी थोड़ी कम, लेकिन बिजनेस की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी किसी तरह का बिजनेस है, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, लेकिन कुछ तो बिजनेस यहाँ पे पर्सन कर रहा है। ठीक है, और काफी चीजों को बैलेंस करता है। ठीक है, चीजों को बैलेंस करता है, इनके इमोशंस भी बैलेंस रहते हैं, ये रिलेशनशिप और अपनी मतलब पर्सनल लाइफ और अपना प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही बैलेंस करके चलेंगे। ठीक है, दूसरा ये भी दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि नाइन ऑफ जैसे आया है कप्स एंड यहाँ पे मैं कहूंगी कि टेन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपने देखा होगा कि कितनी ये टेन ऑफ पेंटिकल हेल्दी वेल्दी फैमिली शो करती है, और ये जो है नाइन ऑफ कप्स, ये मटेरियलिस्टिक चीजें, मतलब कार बंगला सब कुछ, मतलब किसी चीज की कमी नहीं होना, आपके पास सारी फैसिलिटीज होंगी, A to Z फैसिलिटीज। ठीक है, और मतलब सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारे डिजायर आपके पूरे होंगे। ठीक है, हर चीज का सुख मिलेगा आपको यहाँ पर, ये भी मुझे दिख रहा है। तो ये अरेंज भले है, लेकिन यहाँ पे आपको वो सारा सुख मिलता हो मुझे दिख रहा है, जो हर एक इंसान ख्वाब देखता है, उसकी विशेष हो, उसके पास ये सारी चीजें हो, उनकी खुद की हो, तो वो सारी चीजें ऐसे लग रहा है कि पूरी होते हुए दिख रही है। दूसरा, आप में से काफी लोग अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। ठीक है, ट्रैवल कर सकते हो यहाँ पे, अच्छी अच्छी जगहों पे घूम सकते हो, जिन जो यहाँ पे सोचा है कि मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, तो यहाँ पे शादी के बाद यहाँ पे योग बनते हुए काफी नजर आ रहे हैं आपके, और आप दोनों साथ में ही जाओगे ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, काफी वो बिजनेस से भी रिलेटेड जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ भी उन्हें जाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप वाला, मैंने कहा ना आप लोग काम कर सकते हो, चाहो तो पार्टनरशिप वाला काम भी आप लोग कर सकते हो, और दोनों ही साथ में अर्नर हो सकते हैं घर पे, तो ये भी बहुत अच्छी यहाँ पे अच्छी बात है। और जो आपका जो आपके अभी वो होंगे इन लॉज वगैरह, उनके उनका भी दिख रही, आपके जो इन लॉज होंगे वो भी काफी रिच होंगे ही होंगे, मतलब जो मतलब कहा जाए कि जो जो भी है जिनसे आप पार्टनर से शादी करोगे, मैं क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या वर्ड यूज करूँ। ठीक है, आपके जो पार्टनर होंगे उनके जो मतलब पेरेंट्स होंगे वो भी मतलब काफी कह सकते हैं कि अच्छे घर आने वाले होंगे काफी, मतलब ये वाला नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं आपके फैमिली की एनर्जी और उनके फैमिली की एनर्जी भी चेक कर लेते हैं रिश्ते को लेकर। ये आपके फैमिली की एनर्जी, ये आपके पार्टनर की फैमिली की एनर्जी, आइए देख लेते हैं। चलिए, सन, पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ओह गॉड, अगेन पेंटिकल्स। पापा चाहते हैं, मतलब पेरेंट्स चाहते, पापा मेरे मुंह से निकल आया, माँ बाप चाहते हैं कि मतलब जो भी मिले अच्छा ही मिले, मतलब जो भी मिले अच्छा ही मिले, कोई उनके घर को, कोई उनकी रियासत को संभाल सके, और जहाँ भी मतलब उनके बच्चे जाए तो वहाँ भी उनको स्टेबिलिटी मिले, ये उनके लिए एक सबसे पहले प्रायोरिटी है कि कमी ना हो किसी चीज की। और वो कहीं ना कहीं आपके बहुत खुश है रिश्ते को लेकर कि अच्छी जगह रिश्ता हो रहा उनका, वो पर्सन भी हो सकता है बहुत अच्छे हों, ये जानते हों करीब से, शायद उन्हें पहले से ही किसी के द्वारा या पता चला हो कुछ, तो ये भी मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए दिख रहा है। ठीक है, और एट ऑफ पेंटिकल्स,
आपके जो पेरेंट्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं पैसा उनके लिए मेहनत करने वाले होंगे, ठीक है, मेहनत करने वाले और सेविंग्स करने वाले, काफी पैसों की अहमियत बहुत जानते हैं, पैसों की अहमियत बहुत जानते हैं यहाँ पर, और अपने बच्चे को ऐसे ही जगह भेजना चाहते हैं या फिर ऐसे ही लोगों से संपर्क, अपना कनेक्शन बनाना चाहते हैं जो हाँ हो, स्टैंडर्ड हो उनका कहीं कुछ, मतलब पैसे वाले, अच्छा रुतबा हो जिनका, उस तरीके के लोग वो चाहते हैं यहाँ पर। और जैसे अगर उनके पेरेंट्स थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा जैसे कि कहते नहीं, नाक लगा सकते हैं अपनी लाइक ऐसे करके, थोड़ा सा इश्यू हो सकता है उनको, एटीट्यूड वगैरह हो सकता है थोड़ा सा मतलब लेकर, बट देखिए कभी कभी कुछ लोग के पास देखिए पैसा बहुत होता है लेकिन उन्हें पता नहीं खर्च कैसे करना है या फिर ऐसा लगता है कि मेरे पास से कुछ ना जाए, कुछ ना जाए, कुछ ना जाए, डर रहता है ना, मतलब पैसा है बहुत है लेकिन खर्चे करने में थोड़े से कंजूस होते हैं, तो मुझे यकीन ना जाने क्यों मिल रही, मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये वाली देखिए जिनके हाथ से थोड़ा कम पैसा निकलता है ना वो पैसा बचाते भी बहुत है, ठीक है, तो ये एक तरीके से अच्छा भी है, ज्यादा वेस्ट नहीं करते, बट ये भी है कि हाँ थोड़ा सा है, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं, लाइक देखिए आपके फैमिली से तो सब बढ़िया बढ़िया, ठीक है, वो लोग थोड़ा सा नाटक नूटक कर सकते हैं लेकिन बाद में सब बढ़िया बढ़िया यहाँ भी दिख रहा है कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि जैसे सब कप्स की एनर्जी है, ठीक है, तो ऐसा दिख तो रहा है मान जाएंगे, बस हाँ थोड़ा सा उनके तरफ से थोड़ा इश्यू हो सकती है यहाँ पे, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, बाकी तो सब बढ़िया है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड रेजोनेट किया है कुछ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।